हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलिनर। तो 2020 एक काफी क्रेजी ईयर है जिसमें हमने गोल्ड सिल्वर के मार्केट में खतरनाक प्राइस ड्रॉप्स भी देखे हैं और ऑल टाइम हाईज भी देखे हैं। ये तो हमने प्राइसेस की बात कर ली, एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो इम्पोर्ट का डेटा है उसमें इंडिया कैसे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं 2019 और 2020 के कंपैरिजन के लिए दोनों डेटा दे रखा है एंड आपका जो टाइटल है वो ये कहता है कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो पहले से कम हो गए हैं और फेस्टिवल पे जो डिमांड है वो भी बहुत कम हो गई है एंड इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हम नवंबर की बात करें जो कि फेस्टिवल का महीना था, तब अराउंड 33 टन्स इम्पोर्ट करा था गोल्ड इंडिया ने। लास्ट ईयर 41% ज्यादा था, इट वॉज अराउंड 60 टन्स। लेकिन अगर हम अक्टूबर से बात करेंगे तो अक्टूबर से थोड़ा बेटर नवंबर में परफॉर्म किया है। पूरे अगर हम साल की बात करें फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2020, तो इन 11 महीने में अराउंड 220 टन गोल्ड इंपोर्ट करा गया है। अगर ये चीज 2019 की बात करते हम तो एक साल पहले अराउंड 500 टन इंपोर्ट करा गया था। पूरे 2019 से 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अप्रोक्सीमेटली 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करा गया था। सेम अगर आप इस साल के लिए देखोगे तो इट कुड बी ऑलमोस्ट लेस देन 50%, सो अराउंड 400 टन। एंड इसमें आप देख सकते हो कैसे जनवरी फरवरी जब आपका चल रहा था, आपके इम्पोर्ट्स लास्ट ईयर की बात करें या इस साल की बात करें, इट वॉज गोइंग वेरी स्टेडी। प्राइसेज वर ऑल्सो राइजिंग ऑन अ बेसिक ट्रेंड, इट वॉजंट वेरी फास्ट या वेरी स्लो। बट मार्च में आके जब हमारा लॉकडाउन लगना शुरू हुआ वहां पर आपका इम्पोर्ट्स तो गिर गए। चाहे आपका यहाँ पे डिमांड बढ़ गई होगी क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे आ गया था, तो तब इस ड्यूरेशन में ऑफलाइन बुकिंग होने लग गई कि आपको सेम प्राइस में जितनी जल्दी बुक हो सकता है, अगर पॉसिबल है डिलीवरी आप बाद में ले लो। ऐसे ही ज्वेलर्स ने कितने सारे स्कीम्स निकाली। लेकिन जब धीरे धीरे डिलीवरी शुरू हुई, अब इन्वेंट्री खाली होनी शुरू हो गई, तो इम्पोर्ट्स आपके वापस बैक ऑन ट्रैक आए। बैक ऑन ट्रैक आते ही एक चीज हमने जो ऑब्जर्व करी वो ये थी कि अगस्त में जाके आपकी जब इम्पोर्ट्स और डिमांड वापस बढ़ने शुरू हो गए थे तो आपका प्राइस ऑल टाइम हाई चला गया। ऑल टाइम हाई के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर जो जून से अगस्त था वो सितंबर से नवंबर का आपको दिखेगा। जुलाई में जब ऑल टाइम हाई चला गया तो इस पे या तो मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि हम इसको बेच के प्रॉफिट कर लेते हैं बिकॉज पता नहीं इसके ऊपर जाएगा कि नहीं। ऑन द अदर हैंड वहां पैनिक बाइंग भी एक्टिवेट हो गई थी। पैनिक बाइंग के बाद फिर उसके बाद एक फेज ऐसा आ गया था जहां पर लोग सोचते हैं कि अब लें नहीं लें, रुकें देखें क्या करें। एंड दैट इज वॉट वॉज एक्सपेक्टेड। एंड सितंबर में सिमिलरली आपकी डिमांड गिर गई। फिर लोगों ने धीरे फिर से खरीदना शुरू किया क्योंकि मैरिजेस एंड आपके फेस्टिवल्स आने शुरू हो गए थे एंड यहाँ पर हमें फिर स्पाइक दिखा। एज ऑफ नाउ मैं सच कहूंगा तो मैक्सिमम लोग तो कंफ्यूज हैं कि शुड वी बाय और नॉट। अब जो सिस्टमैटिकली खरीदते हैं उनके लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी वाले हैं अपॉर्चुनिटिस्ट हैं उनके लिए तो ऑफिशियली एक प्रॉब्लम है बिकॉज वो वेट करते रहेंगे कब प्राइस में हमें कोई स्टेबिलिटी दिखेगी एंड दैट इज मोस्ट ऑफ अस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट एक चीज हम बात करते हैं प्रीमियम्स की। इंडिया के मार्केट में अगर हम बात करें गोल्ड मार्केट में, तो लास्ट वीक हमारे प्रीमियम जो थे इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस के ऊपर थे, दैट टू $3.5 एन आउंस। मैंने अभी देखा तो ऐसा पता चला है कि चाइना में इंटरनेशनल स्पॉट से $20 नीचे गोल्ड बिकता है। और वहां बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं तो वहां पे अराउंड 55,000 रुपीज का अराउंड लेट्स से 10 ग्राम गोल्ड मिलता है, तो वहां पे भी बहुत बुरा हाल है। वहां का थोड़ा केस अलग है, वो लोग स्मगलिंग से भी बहुत ज्यादा पिटे चुके हैं एंड एग्जैक्टली स्मगलिंग का क्या है, इसमें रोल इंडिया में कैसे इफेक्ट करता है, उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको मैं कुछ ना कुछ इंसाइट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, एक शॉर्ट अपडेट था जिसमें मुझे आपको बताना था कि कैसे इंडिया के इम्पोर्ट्स चेंज हो चुके हैं ड्रास्टिकली, कहाँ हम एक फाइनेंशियल ईयर में 900,000 टन 500 के ऊपर टन गोल्ड यूज करते थे और यहाँ पर कैसे डिमांड भी पिट चुकी है और प्राइसेस के वजह से लोग कैसे कंफ्यूज हैं। तो आप बताइए कि आपने इस साल कैसे सफिशिएंट गोल्ड लिया है, या आपको लगता है कि आप वेट करने के चक्कर में आपने अच्छे प्राइस मिस कर दिए या बेचने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है इसे क्लिक कर लें नोटिफिकेशन के लिए। सो इन दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।